Well, today we are joined with Vaishali Darekar, Kalyan constituency Lok Sabha candidate from Uddhav Thakre's party. Let's try and talk to her. What are the pressing issues in this particular constituency? What she will do to fight it out, this particular battle in Kalyan against the son of Chief Minister, that is Shrikant Shinde, also a two-time MP. Let's try and talk to her. Uh, Ma'am, thank you for connecting with Times Now. You. How are you feeling about your nomination and your name given by Uddhav Thakre for this particular constituency? I am very एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी देखते हैं लोग तो साथ में हैं दे आर रेडी टू वोट फॉर मी एंड चेंज चाहिए उनको तो अभी ऐसा लग रहा है कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की मशाल जो है वो जाएगी अपने लोकसभा में आपको लगता है आप उद्धव ठाकरे की पार्टी से आप जीत के दिल्ली तक जाएगी बिल्कुल बिल्कुल एकदम श्योर हूँ हंड्रेड परसेंट लोगों को ही परिवर्तन चाहिए और ये परिवर्तन होकर रहेगा क्या एग्जैक्टली exactly इश्यूज है इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से जो आपको लगते हैं जो अभी तक श्रीकांत शिंदे जो 10 साल से एमपी है वो रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं बहुत सारे इश्यूज़ हैं श्रीकांत शिंदे डॉक्टर है लेकिन या अभी तक यहाँ पे एक अच्छा अस्पताल जो गवर्नमेंट से रन हो ऐसे नहीं बनाया उन्होंने अब तक यहाँ पे यानी उल्लास से अम्बरनाथ से उल्लासनगर कल्याण डोम्यूली दीवा और अपना कलवा मुमरा वहाँ तक भी अच्छा हॉस्पिटल उन्होंने बनवाया नहीं है डॉक्टर होके हुए भी और पानी की समस्या बहुत बड़ी है लोकल ट्रेन की समस्या है क्योंकि लोकल स्टेशन आप देखेंगे तो स्टेशन की जो वहाँ पे जो उनकी अवस्था है वो अतिशय बहुत ही खराब है मैम क्या आपकी स्ट्रैटेजीज रहेगी आप इस लोकसभा इलेक्शन में चुनाव लड़ रही है ऐसा नहीं है कि आप पहली बार लड़ रही है इसके पहले भी आप 2009 में फाइट किया था आपने लोकसभा का चुनाव क्या अलग है इस बार और क्या अलग स्ट्रैटेजीज है आपकी अलग ये है कि आज मैं जब लोगों में जा रही हूँ तो लोगों से ही आ, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोग तैयार है परिवर्तन के लिए और लोग ही बोल रहे हैं कि हम लोग इस बार मशाल को ही देने वाले हैं और ये रिस्पांस सिर्फ और सिर्फ उद्धव जी के लिए है आ, लोगों को पता है कि उनके साथ जो कुछ उन्होंने किया है गद्दारी की है उसके लिए लोगों को जवाब देना है और ये होके रहेगा तो आप कह रहे हैं कि गद्दारी उन्होंने की थी और आप लॉयलिस्ट है पार्टी की आपका भी राजकीय जो है वो जो जर्नी है वो काफी अलग रही है पहले आप एमएनएस में थी फिर आपने घर वापसी की ऐसा कहा जाता है फिर उद्धव ठाकरे के साथ अभी आप लॉयलिस्ट है और उन्होंने आपको टिकट भी दिया है काफी ज्यादा चर्चाएं हुई आपकी टिकट के ऊपर की बाकी लोगों के नाम भी इवन आदित्य ठाकरे का नाम भी जोड़ा जा रहा था इस सीट से कह रहे थे कि उनको भी यहाँ से टिकट मिल सकती हैवी वेट कैंडिडेट की तरह उनको देखा जा सकता है बट एक जो है वो स्पिनर था उद्धव ठाकरे के द्वारा आपको यहाँ पे सीट देना कैसे देखते हैं इस चैलेंज को भी और इस विश्वास को भी जो उद्धव ठाकरे ने आप पे जताया साहब ने तो गुगली डाल दी उद्धव जी ने और मुझे यही आ, कहना है कि जब डिक्लेरेशन किया कि वैशाली दरेकर यहां से खड़ी हो रही है वैशाली दरेकर रानी तो मैं खुद शौक थी और थोड़ी देर लगी मुझे उससे उभरने के लिए आ, लेकिन उद्धव जी ने मुझे एक विश्वास दिलाया कि मेरी एक सामान्य कार्यकर्ती होते वैसे और एक गृहिणी वो श्रीकांत शिंदे को हरा सकती है सर इन माम, इन मैम फाइटिंग की भी बात हो रही है कहीं कही ना कहीं जो शिवसेना के उद्धव ठाकरे की पार्टी के लॉयलिस्ट है वो का, काफी आपसे कफात है ऐसी भी बातें हो रही थी क्योंकि वो काफी समय से इस पार्टी के लिए काम कर करे हालांकि सीट जो है आपको मिली तो कैसे देखते उस इस में नहीं पहले मैं आपको बताती हूँ मैं इससे पहले 2000 में मैं शिवसेना में काम रही हूँ 1995 से जब मैं कॉलेज में थी तभी से काम कर रही हूँ 2000 में मैं शिवसेना से कॉरपोरेटर बनी और उसके बाद 2006 में जब एम का ये हुआ यहाँ के कुछ लोकल जो थे लोग उनके उनके साथ नहीं बन रही थी इसीलिए मैंने छोड़ दिया और मैं एम में गई एम में भी मैं कॉरपोरेटर रही एम एन से कंटेस्ट भी किया लोकसभा का इलेक्शन ये सब हुआ उसके बाद एम एन को छोड़ के मैं जब 16 में यहाँ पे आई उसके बाद से मैं शिवसेना में काम कर रही हूँ ऐसे कुछ नहीं कि मैंने पहले काम नहीं किया है काम ही करे उनके साथ उनके कुछ अलग रहेंगे इश्यूज पता नहीं मुझे लेकिन कल कल परसों वो लोग छोड़ के चले गए जो नाराज़ थे उनको लग रहा था कि वो ज़्यादा लॉयल है उन्होंने उनकी लॉयल्टी कहाँ पर है वो दिखा दी और वहाँ पर चले गए शिंदे गट में तो अभी देखते हैं हम लोग तो यहीं पे है फाइट कर रहे हैं खड़े हैं डट के भाग नहीं रहे कहीं पे जाके किसी से मिल नहीं रहे तो हमारी जीत तो होने ही वाली है क्या सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर के भी कल्याण में इन पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो काफी सवाल उठाए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑफ महाराष्ट्र और यहाँ पे भी हमने काफी इन्वाइटिंग देखी बीजेपी के ही एक लीडर थे जिन्होंने शिंदे सेना के लीडर के ऊपर जो है वो गोली दाग दी थी क्या सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर की कल्याण कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहती है क्या एग्जैक्टली exactly आपका टेक है इसके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत ही बदतर स्थिति में है वो क्यों है वो आपको पता अभी आपने बताया जो कुछ हुआ बीच में इंसिडेंट ऐसे तो बार बार हो रहा है यानी पुलिस को आ, क्या इंस्ट्रक्शन है पता नहीं लेकिन जब हम कभी जाते हैं वहाँ पे कुछ पुलिस स्टेशन में आ, उनके खिलाफ आ, लिखने के लिए कंप्लेंट तो पुलिस कभी भी कंप्लेन लिख नहीं लेती है बीच में एक इंसिडेंट हुआ था शाखा पे उन्होंने अटैक किया था बहुत सारे गुंडे लेके आए थे और शिवसेना की शाखा थी डोमिली शहर की और वहां पे आए थे बाद में उन्होंने वो ले ली भी ली तो उधर आए थे हम लोग ज्यादा लोग नहीं थे अंदर छह सात लोग थे और उन्होंने अटैक किया और वहां पे जो लोग आए थे वो सब गुंडे थे हिस्ट्री शीटर थे पुलिस को भी पता था पुलिस यहां वहां घूम रही है देख रही है वो लोग क्या कर रहे हैं कैसे जोर जबरदस्ती कर रहे हैं जब हम लोग वहां पे कम्प्लेन देने को गए तो पुलिस ने कम्प्लेट ली नहीं उल्टा हम लोग को क्या क्या बोल के यानी जो ए सी पी वहाँ पे बैठे थे जो सीनियर पी आए वहाँ पे बैठे थे उनको टेंशन था कि हम लोग कम्प्लेन देने को आए अभी क्या करें इनको कैसे भगाए यहाँ से फिर उन्होंने बोला कि एट्रोसिटी लगा देंगे ये उन्होंने लगाने दो एट्रोसिटी हम लोगों ने किसी को गाली नहीं दी है आपके पास फुटेज है पूरा आप दिखा दो कहाँ पे गाली गलो हुए किसने दी गाली वो भी बताइए उन्होंने कंप्लेन नहीं ली बस खारिज कर दिया और नहीं नहीं कुछ नहीं होगा चलो जाओ यहाँ से यानी पुलिस किसके इशारे पे काम कर रही है ये दिखाई दे रहा है और लॉ एंड ऑर्डर बोलेंगे तो ये तो ऑर्डर भी नहीं है और लॉ भी नहीं है यहाँ पे यानी वो जो बोलेंगे यानी शिंदे जो बोलेंगे वैसे यहाँ पे हो रहा है पुलिस भी उनकी बात सुनती शिंदे? है श्रीकांत शिंदे या सीएम बोथ बोथ दोनों भी है यहाँ पे श्रीकांत शिंदे तो ज्यादा यहाँ पे रहते हैं तो वो भी है और उनके पिताजी भी है वो अगर दोनों ना हो तो ये इनकी क्या मजा, मजा कि कुछ करे यहाँ पे लेकिन आज ये हो रहा है सो मसल एंड गवर्नमेंट पावर हैज आल्सो बीन शोन इन दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी टू डिफीट द अपोजिशन हो सकता है तो चल ही रहा है अभी यहाँ पे क्योंकि बोलते ना कि अभी कल ही देखिए एक हमारे नगर सेवक थे पुरुषोत्तम चौहान करके उनको बुला लिया वहाँ पे वो चले गए कुछ काम के लिए काम पे वहाँ पे चले गए बाद में उन्होंने उनके हाथ में झंडा दे दिया है बोले कि शिंदे गुट में इनका स्वागत है करके जबरदस्ती जबरदस्ती और बाद में वो घर पे आए तो उनकी जो वाइफ है वो बोली कि ये क्या तुम्हारा फोटो आ रहा है करके ये तुम क्या कर रहे हो तुम तो मतलब बोले मैं गया ही नहीं मैं गया था काम की वजह से क्योंकि वो काम करते हैं काम की वजह से गया और इन्होंने मुझे झंडा दे दिया कि ये इनका प्रवेश हो गया करके तो फिर रात को वो वहां पे आए शाखा में वालदुनी की शाखा में उन्होंने बोला मैं कहीं पे नहीं गया मुझे आपका प्रचार करना है मुझे भी मिले हम लोग सब साथ में थे हमारे सब उपनेता वो सब उन्होंने बोला कि मुझे आपका प्रचार करना है मैं इधर ही उद्धव साहब को मानता हूँ मेरी लॉयल्टी उद्धव साहब के प्रति है और मैं इधर ही काम कर रहा हूँ ऐसे हो रहा है यानी फोन करके बुलाना नहीं तो फिर धमकी दे बुलाना ये सब हो रहा है तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है कहाँ पे तो आपके पार्टी के पदाधिकारियों को धमकी दे बुलाया जा रहा है और उनका पक्ष प्रवेश किया जा रहा है ये हो रहा है हो रहा है कितने सारे लोगों को फोन आ रहे हैं क्यों काम कर रहे हो क्यों ये कर रहे हो ये हो रहा है अभी कोई सामने आके बोलेगा नहीं क्योंकि डर है मन में क्योंकि इनका राज चल रहा है अभी ये कहाँ कहाँ का राज है ये गुंडा राज है यही चल रहा है लेकिन यहाँ पे आप देखिए डॉक्टर श्रीकांत शिंदे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ऐसा नाम है लेकिन उनके आजू बाजू में कौन लोग हैं सब गुंडे लोग है वही खड़े रहते हैं जाके ढूंढ के लेकिन सब हिस्ट्रीटर है सब के नाम पे कुछ ना अभी कितने सारे लोग इनके साथ है सब गुंडे बाहर बाहर निकाले उन्होंने वो घूम रहे यहाँ वहाँ धमकियाँ दे रहे हैं शायद किसी और को धमकी दे सकते हैं क्या आपको कोई धमकी आई है ऐसी मैं तो डरने वाली हूँ नहीं आप डरने वाली नहीं है पर क्या आपको किसी तरह से या आपके करीबी लोगों को आपके फैमिली में किसी को धमकी आई है बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं उन्होंने मुझे कभी फोन भी नहीं किया और कभी ये नहीं उनको पता है शायद शायद डरते होंगे उनके बाकी के लोग भी कि ये क्या बोलेगी क्या क्या रिएक्ट होगी इसीलिए शायद फोन नहीं किया उन्होंने और नहीं किया तो अच्छी बात है नहीं तो उनको भी सुनने को मिलता मुद्दों पे आते हैं मैम बताइए क्या एग्जैक्टली exactly मुद्दे रहेंगे जो आप अगर आप सीट जीतती है यहां से जो पहली चीज आपको लगता है कि आप मैं ये सही करूंगी वो पहली चीज क्या होगी देखिए ये सारे जो अभी मैंने आपको समस्या बताई वो तो है ही वो तो इम्पोर्टेंट है ही लेकिन मैं अभी एक औरत भी हूँ और एक औरत होने के साथ साथ मुझे पता है कि एक औरत जब घर पे काम कर रही है तो उसको क्या ज़्यादा ज़रूरत लगती है जब मैं यहाँ पे अभी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रही थी तो एक गांव में मैं गई यानी बहुत सारे गांव के लेकिन एक गांव में गई वहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं है बिल्कुल पानी नहीं है उनकी स्थिति बहुत ही ख़राब है जब ये दिखाई देता है कि शहर के इतने करीब होते हुए भी लोगों को आज तक यानी औरतों को आज तक पानी नहीं मिल रहा है तो ये तो होना नहीं चाहिए यानी सबके घर में पानी आना चाहिए भले थोड़ा भी मिले लेकिन मिलना चाहिए उनको ज्यादा दूर जाना ना पड़े क्यों पर पानी की समस्या इतनी हो रही है जबकि वाटर टैंक्स जो है हमारी सिटी की हमारे आसपास के एरियाज की डैम्स की, की वो फुलफिल्ड है बट सीएम होने के बावजूद भी डॉक्टर श्रीकांत शिंदे खुद यहाँ पे दस साल से एमपी है फिर भी एक बेसिक नेसेसिटी जो होती है रोटी कपड़ा मकान और उसके लिए लगता है पानी वो क्यों नहीं हो पा रहा है फुलफिल शायद उनका विजन वो नहीं है उनका विजन कुछ अलग रहेगा उनका विजन टेरर का रहेगा इसीलिए वो टेरर ही ज्यादा दिखा रहे हैं यहाँ पे विज़न ऐसा होना चाहिए था कि वहाँ पर कुशिवली करके डैम है जैसे बारवी डैम है बारहवीं डैम बार की भी हाइट बढ़न लेकिन कहाँ तक बढ़ाएंगे वो भी होता है ना इंजीनियरिंग का भी ये होता है मसला होता है कि हाइट भी बढ़ाने से कभी अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो फिर वो डैम की वजह से कितना डैमेज भी होगा यानी कहाँ तक वो लोड ले रहा है वो सब है वहाँ पे कुशिवली करके डैम है उसको भी बढ़ाना चाहिए उसका भी पानी यूज़ हो सकता है लेकिन उनका विजन ही नहीं इसलिए वहाँ पे कुछ काम ही नहीं हुआ आज तक कुशीली धरण यानी मेरा विजन वही है कि वो डैम होना चाहिए अच्छी तरह से क्योंकि वो डैम अगर बढ़ेगा तभी पानी ज़्यादा रुकेगा और छोटे छोटे हम लोग बोलते हैं ना छोटे छोटे बंधारे बोलते हैं यानी छोटा रहता है यानी नदी छोटी छोटी नदियाँ हैं या पानी के जो झरने हैं वहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऐसे डैम जैसा बना के पानी को रोक सकते और वो अगर रुकेगा तभी पानी रहेगा तभी वो गांव को मिलेगा नहीं तो उनके बाजू में कुछ नया झरना मिलता है क्या वो देखना चाहिए लेकिन ये ऐसे कुछ हुआ ही नहीं है आज उन्होंने क्या किया ज्यादा सिर्फ रोड बना रहे सीमेंट कंक्रीट मैंने बोला ना अभी आज ही इधर एक पेड़ गिर गया ये सीमेंट कॉन्क्रीट की वजह से हो रहा है क्योंकि आप रूट्स तक अगर सीमेंट ही जाएगा पेड़ के तो वो तो मरने ही वाला है उसकी वजह से तो आज वहां पे इतना सारा यानी बोलते ना रोड का काम चल रहा है एम के फंड से रोड का काम चल रहा है लेकिन पानी का काम नहीं है उन्होंने जो होर्डिंग पे लगा है ना कि जल कुंभ बनाए जल कुंभ बना रहे हो उसमें जल तो होना चाहिए जलकुंभ में आज तक पानी नहीं है वहां पे वो पहले पानी लेके आओ बाद में जल कुंभ बना लेकिन ये क्यों हो रहा है ये हो रहा है परसेंटेज के लिए शायद यही जो काम रहता है बोलते हैं ना बांध बांध काम बान्द काम यानी जो कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क रहेगा उसमें उनको कमीशन मिलता रहेगा शायद उसी की, इसी की वजह से उनका चलता रहेगा ये सब काम मैम एक आखिरी सवाल आपको पूछना चाहते हैं क्या मैसेज देना चाहेगी आप डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को और आपके वोटर्स को भी आप क्या मैसेज देना चाहेगी उनको मुझे कुछ मैसेज देना नहीं है उनको जो मैसेज देना है वो जनता देने वाली है और वो मैसेज उनको पढ़ने को मिलेगा चार जून को लेकिन जो जनता है कल्याण लोकसभा की उनको मुझे यही कहना है कि आपको वोट करना है 20 तारीख को भले अभी वेकेशन शुरू हो गई है और वेकेशन पे सबको जाना है पता है मुझे लेकिन 20 तारीख को तक लौट के आ जाइए और उस दिन वोट करके फिर से जाइए चलेगा मुझे लेकिन ऐसे मत कीजिए बहुत बड़ा हम लोग ने ये मेला लगाया है लोकसभा का डेमोक्रेसी का डेमोक्रेसी बचाने के लिए अपना जो संविधान है उसको बचाने के लिए उसको अच्छा करने के लिए और मजबूत करने के लिए सबका साथ चाहिए और इस बार आप मशान को वोट कीजिए यही मुझे कहना है जनता को तो देश में बात होती है कि डेमोक्रेसी बचानी है सारी अपोजिशन पार्टीज इंडिया अलायंस में आई है इसी बात को कहते हुए कि हमें डेमोक्रेसी को सेव करना है ये नीड ऑफ एन आर है आप बता रही है कि सीएम एक शिंदे के लड़के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे वो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करते उनके आजू के लोग जो है वो गुंडे है और टेरर उनका विजन है तो कितना डें डेंजरस है ये डेमोक्रेसी के लिए आपको लगता है बहुत ही डेंजरस है ना यही तो मैं बोल रही हूँ ना डेमोक्रेसी क्या सबको बोल रहे ना कि सबको खुद का एक स्वतंत्र होना चाहिए अभिव्यक्ति स्वतंत्र हम लोग बोलते ना फ्रीडम ऑफ स्पीच तो वो तो होना चाहिए लेकिन वो क्या बोलते है बोल रहे हैं ना लेकिन देखिए अगर न्यूज चैनल या मीडिया अगर सब सब चैनल सच बोलती तो इतने यूट्यूब चैनल नहीं निकलते yes. ये क्यों हो रहा है अभी यूट्यूब चैनल कितने सारे पत्रकार हैं जो खुद के YouTube चैनल निकाल रहे हैं और खुद वो बोल रहे हैं सबका YouTube चैनल आप देख लीजिए सब इनके खिलाफ बोल रहे हैं क्यों बोल रहे हैं पर कहीं ना कहीं ये बात होती है कि अपोजिशन उतना स्ट्रांगली हैंडल नहीं कर पा रहा है जो रूलिंग गवर्नमेंट है इस, इसलिए ये आ, रूलिंग पावर जो है वो ओवर पावर कर रही है इस बात पे क्या कहना चाहिए नहीं नहीं अपोजिशन स्ट्रांग नहीं है ये नहीं है अपोजिशन में अभी जनता ही खड़ी है जो अपोजिशन लीडर्स है उनके साथ जनता खड़ी है अभी बीच में जब राहुल जी ने भारत जोड़ो का ये निकाला था मार्च था उसमें सब शामिल हो रहे थे यानी लोगों को तैयारी लोग तैयार है इनके खिलाफ जाने के लिए बस आज क्या कहता है जब टी शुरू की जाते है जो उनको दिखाना है वही दिखाई दे रहा है जो उनको नहीं दिखाना है वो कभी नहीं दिखाई दे मणिपुर का कांड हुआ किसी ने नहीं देखा जब यूट्यूब पे आया जब बाहर बाद में वो पिक्चर्स बाहर निकली तभी सबको पता चला कि यू यहाँ पे क्या हो रहा है जंतर मंतर पर जब अपनी रेसलर्स बैठी थी उनके खिलाफ क्या क्या अफवाहें उठी किसी ने नौकरी छोड़ी क्या किसी ने ये किया किसी ने वो ज्वाइन किया बहुत सारी अफवाहें लेकिन वो डटी रही लेकिन उनके खिलाफ भी उन्होंने ये किया लेकिन टीवी पे कभी दिखाया नहीं अभी जो आ, अपने जो आ, ये है आ, मीडिया को दोष आप एक तरह से दे रही है वो एक अलग एंगल हो गया इस बात का बट अपोजिशन भी उतनी स्ट्रांग रहनी चाहिए अभी हम बात करते हैं कि इंडिया अलायंस की अब इंडिया अलायंस में इतने सारे नेता है उसमें से कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो एक काफी बड़ा सवाल है अब राहुल गांधी कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी तो ये कैसे डायनेमिक्स वर्क होगा क्या आपको लगता है उद्धव ठाकरे जाके आ, आगे प्राइम मिनिस्टर पोजीशन के लिए काउंटर कर सकते हैं नेशनल लेवल पे या फिर राहुल गांधी को ही आप सपोर्ट करेंगे कैसे होगा ये डायनेमिक्स क्या डायने वहां तक तो मुझे भी आ, जाना नहीं है क्योंकि देखिए अभी हम लोग तो इलेक्शन लड़ रहे हैं सब वहाँ पे यहाँ पे खड़े है इलेक्शन के लिए तैयारी शुरू है जैसे ही हो जाने के बाद हम लोग तय करेंगे कि किसको प्राइम मिनिस्टर पद के लिए बैठना है अगर उद्धव जी बैठ रहे हैं हमको तो खुशी है मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा हम सबको अच्छा लगेगा लेकिन ऐसे नहीं कि वो ही बैठने चाहिए या राहुल गांधी जी बैठने चाहिए ऐसे कुछ ये नहीं है लेकिन जो कोई बैठेगा वो डेमोक्रेसी के लिए ही बैठेगा जो कोई होगा वो डेमोक्रेसी बचाने के लिए बैठेगा ये जो अलायंस बना है वही इसके लिए बना है कि यहाँ पे ये सब टिका रहे जब हम लोग बोलते हैं ना बचपन से सिखा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी तो यही है यूनिटी इन डाइवर्सिटी आज हम लोग के साथ सब सब साथ में है यही यूनिटी है और यही बचानी है एक एक जगह पे जाके यही होना चाहिए जैसे इनका नारा है ना कि ज़्यादा पार्टीज नहीं होनी चाहिए एक एक ही पार्टी होनी चाहिए या दो ही पार्टी होनी चाहिए ऐसे नहीं चाहिए हर एक पार्टी का खुद का एक एक प्रिंसिपल होता है वो सब जैसे हम लोग घर में रहते हैं वैसे ही है तो हर पार्टी होनी चाहिए यहाँ पे भारत देश है डेमोक्रेसी ऐसी रहती है Thank you, ma'am. Thank you for Thank connecting you so with much. us. Thank so, you. this was Vaishali Darikar who was talking to us regarding different issues in this particular constituency, that is Kalyan. Also, what she says is that Dr. Shrikant Shinde, who is her opponent, doesn't have a vision for development. On the other hand, he has a vision for terror, is what she is alleging. This is Srishtiyatkari reporting for Times Network with video journalist Anil Mumbai.